हेलो एवरीवन दिस इज़ खुशबू जैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये इस वीडियो का आपको काफ़ी वक्त से इंतज़ार था डिटेलिजेंस फॉर बैंक्स सो मैं ये लेके आई हूँ आप सभी के लिए ज़्यादा डिटेल में मैं इस चैप्टर में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपको रिवाइज़ करा सकूँ सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम प्लीज़ यार लाइक like कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है so, सो आगे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं जैसे मैंने आपको बोला था तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस डिटलीजेंस रिपोर्ट की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है तो आपको जैसे पता है कि बैंक में अगर हमको जाना है तो क्यों जाना होता है लोन लेने के लिए ऑफ़कोर्स पैसों के लिए हम लोग बैंक जाते हैं राइट तो यहाँ पर डिटेलिजेंस रिपोर्ट जो होती है ये आपका कंपनी सेक्रेटरी ही बना के देता है और ये यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि वो जब ये बनाते हैं रिपोर्ट तो कुछ क्राइटेरियाज इनको देखने होते हैं वो क्राइटेरियाज़ उसमें लिखने पड़ते हैं और जैसे जैसे यहाँ पे टोटल इसमें ट्वेंटी फाइव मैटर्स होते हैं जैसे विच इज़ रिलेटेड टू द आई कैन से डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में होते हैं कि इस तरह से शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का उसके बाद में क्या उनकी बोरिंग्स है क्या उनके एसेट्स है किस तरह से ड्यूज़ का पेमेंट करते हैं लोन कितना उन्होंने लिया है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ दैट आर द केस ऑफ दैट देट डिटलिजेंस रिपोर्ट तो इस तरह से छोटे मोटे जो होते हैं वो सारे मैटर्स इसमें कवर किए जाते हैं और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं वो दे हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड दे हैव टू प्रिपेयर आफ्टर द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी Of course, और दे नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड दे मस्ट be स्किलफुल एंड दे हैव द रिलेवेंट और आई कैन से इम्पोर्ट काफ़ी उनको उनके पास उनका नॉलेज होना जरूरी है ठीक है एंड वेन एवर दे आर डूइंग <coughs> उनको अपनी सारी बातें ध्यान रख के उसमें सब कुछ मेंशन करना है रिपोर्ट में ठीक है जैसे ही ये डिटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी तो सी एस इन प्रैक्टिस जो थे दे लेट डाउन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रखा उन्होंने बोला कि इस रिपोर्ट से जो कॉपोरेट गवर्नेंस है वो काफ़ी अच्छा होगा एंड uh, ये एक अच्छी इमेज क्रिएट करेगा फॉर द कंपनी एंड एज़ वेल एज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ़ द इकोनॉमी ठीक है तो इस वजह से डिटेलिजेंस रिपोर्ट को काफ़ी अच्छा रिकग्निजेशन मिल चुका है अब ठीक है उसके बाद में यहाँ पे मैं बात करती हूँ स्कोप ऑफ डिलीजेंस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे ये सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करती है और आर नोटिफिकेशन ने भी डाल दिया है कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इसे रिपोर्ट को बना सकती है जैसे मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे डिलीजेंस रिपोर्ट का यहाँ पे दे रही हूँ कि इस तरह से कभी कभी फॉर्मेट एज एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है टू मैनेजर जो बैंक है उसका नाम लिखना है और उनको बोलना है कि येस मैं कंपनी मैं मैं या फिर मेरा जो ग्रुप है सी का मतलब सी का ग्रुप इन देंस कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएशन जो है फॉर्म है वो सारे लोगों ने आपके रजिस्ट हमने बैंक ये जो कंपनी है उसके रजिस्टर्स ये रिकॉर्ड्स कंपनी पेपर्स ये सारे के हमने यहाँ पे एग्ज़ामिन कर लिए हैं इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये ये है ठीक है सारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हमने काम किया है ठीक है उसके बाद में उनको बताना है कि इस मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो इट इज़ लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये ये डायरेक्टर्स हैं और अगर उसमें कुछ चेंजेस होता है तो वो भी मैंशन आपको कर देना है सेकेंड आपको बताना है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी फटाफट आपको समझाने जा रही हूँ मैं थर्ड आपको बताना है अल्ट्रेशन इन एम और ए अगर हुआ होगा तो, तो वो पॉइंट आपको एड ऑन करना है इन केस अगर आपके इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो वो आपको मेंशन करना है रिपोर्ट में और उसके बाद में कोई तरह का लोन एडवांस गारंटी है तो वो भी आपको मेंशन करना है उसके बाद में लोन एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आपको मेंशन करना है इन केस अगर है तो और अगर आपका बोरिंग लिमिट यहाँ पे ज़्यादा होती है तो वो भी आपको बतानी है और कम होती है तो भी आपको बतानी है तो इट यू हैव टू कम्प्लाई विद द सेक्शन वन ठीक है नेक्स्ट आपको बताना है कि रीपेमेंट ऑफ़ पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर्ड लोन डिबेंचर एक्सेट्रा वगैरह वगैरह कि भाई कंपनी ने ऐसा कुछ डिफॉल्ट किया नहीं है उन्होंने टाइम टू टाइम डिपॉजिट्स वगैरह पे कर दिए हैं ठीक है उसके बाद मैं आपको बताना है कि कोई तरह का अगर चार्जेस उन्होंने क्रिएट किया होगा या फिर उसमें मॉडिफिकेशन हुआ होगा या सेटिसफेक्शन ऑफ द चार्ज हुआ होगा इन द केस ऑफ होली सब्सिडी और आई कैन से जॉइंट वेंचर इन अब्रॉड तो ऐसे केस में भी यू हैव टू मैंशन दैट पॉइंट ऑल्सो इन द रिपोर्ट ठीक है उसके बाद में यू हैव टू मैंशन द फॉरेक्स एक्सपोजर एंड ओवरसीज बोरोइंग ठीक है तो ये सबसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है और जो छोटे छोटे हैं वो आप लोग लिख सकते हो एग्जामिनेशन में ट्वेल्थ पॉइंट इज इंश्योर्ड फॉर ऑल इट्स सिक्योर्ड एसेट्स और आई कैन से कंपनी हैज हैजू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज सेट बाय द लेंडिंग कंपनी टाइम ऑफ अवेलिंग द लोन ठीक है एंड द कंपनी हेज़ डिक्लेयर द डिविडेंड एंड इट पे दे पेड टू देयर शेयर होल्डर्स तो ये भी आपको मैंशन करना है कंपनी हेज़ सिक्योर्ड फुली इट्स एसेट्स एंड दे आर नॉट अपियर्ड इन द डिफॉल्टर लिस्ट ऑफ द आर बी आई ठीक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो ये तरीके से ऐसे बहुत सारे हैं देव पेड द स्टेच रिड्यूज एंड ऑल वो आपको देखना है ठीक है तो इस तरीके से आपको सारा कुछ कवर करना है और लास्ट में यू हैव टू मैंशन दैट सिग्ने द क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स मार्क्स के फैन यू आर इपिस स्टेटेड एंड मे बी स्टेटेड एज अ रिलेवेंट पैराग्राफ अबाउट द प्लेस मतलब जहाँ आपको लगता है कुछ क्वालिफिकेशन देना चाहिए कुछ एडवर्स रिमार्क देना चाहिए तो यू हैव टू मैंशन दैट ऑल्सो इन द प्रॉपर फॉन्ट ठीक है एंड लास्ट में आएगा डेट प्लेस और प्लेस डेट एंड सिग्नेचर एंड द नेम ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और फॉर्म एंड द सीपी नंबर सर्टिफिकेट आपका जो प्रैक्टिस नंबर होगा वो ठीक है सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस नंबर जो होगा वो आपको लिखना है अब थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस इस पर बता देती हूँ गाइडेंस कुछ नहीं है यहाँ पर ये इट विल बी मेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस आई कैन से एंड द होल टाइम सी एस जो होता है जो हु इज इन प्रैक्टिस वो करेगा और ही हैज़ राइट टू एस एज ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर द डिलीजेंस रिपोर्ट एंड ऑल वो पूछ सकता है ठीक है उसके बाद में यहाँ पे रिपोर्टिंग जो मैंने आपको बोला था कि क्वालिफिकेशन यास टू मेंशन तो ये आपको एकदम थिक टाइप में होना चाहिए और इटैलिक टाइप में होना चाहिए तो सामने से पता चल जाना चाहिए कि यस ये इसमें कुछ गड़बड़ है राइट तो इस तरीके से उसके बाद में इन केस इफ़ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने कुछ फॉल्स या कुछ उसके पार्ट से फेलियर होता है देन ही और शी विल बी लाइबल फॉर दैट फॉल्स रिपोर्टिंग और उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगी बाय आईसीएसआई ठीक है सो ये भी एक पार्ट है एंड uh, जब भी ये हाथ में कुछ लेंगे तो पहला वाला अगर सीएस अपॉइंट किया गया है तो उनसे आपको बात करनी है उनसे पहले समझ लेना है क्या काम उन्होंने पहले किया था और क्यों अब वो नहीं कर रहे हैं तो ये इट शुड बी इन राइटिंग अगर हो सके तो आपको राइटिंग में लेना पड़ेगा उनका कंसेंट तो बेटर होगा ठीक है उसके बाद मैं जैसे मैं कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी जिस पैरा ट्वेल्व बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कंपनी अपने एसेट्स को सिक्योर करती है ठीक है तो कुछ उन्हें बातें ध्यान रखनी पड़ती है देखो इस तरह से ये फॉर्मेट होता है ठीक है ये जस्ट एक फॉर्मेट दिया आपको तो आपको कंप्लाइंस इनपुट में क्या क्या लगेगा आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ तो आपको देखो जब हम किसान लोन लेने जाता है तो वो अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए लोन लेता है कि भाई मेरी फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए तो मैंने सोचा क्यों ना किसान की एसेट जो है वो क्या है उसकी क्रॉप है ठीक है क्रॉप्स उसकी क्या है एसेट्स है तो क्यों ना ऐसा ही कुछ कोड बना लिया जाए जो आपको ध्यान रख के अच्छा कोई भी तरह के एसेट्स को अगर सिक्योर करना है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा लोन लेना पड़ेगा लोन लेने के लिए वो किस लिए किस पर्पज़ से लोन लेगा तो क्रॉप्स के बेसिस पे वो लोन लेगा तो सी इज़ फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर टू द लेंडर कितनी की है आर इज़ फॉर रजिस्टर्ड ऑफ एसेट्स ओ इज़ फॉर ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसीज पीज फॉर प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट एंड एसिस फॉर स्टॉक स्टेटमेंट तो ये सारे उसके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए ठीक है ये सारे क्या हो गए डॉक्यूमेंट्स हो गए अब चेकलिस्ट की अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस पॉलिसी की तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी की थी वो एसेट्स में कवर्ड है या नहीं है मतलब वो वो जो पॉलिसी है उसमें वो एसेट्स कवर्ड है या नहीं है उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी को निकाला है मतलब कहां से आपने निकाली इंशुर... जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड है आई के साथ उससे ही निकाली है कि नहीं निकाली है उसके बाद आपको देखना पड़ेगा पीरियड कितना है पॉलिसी का वन ईयर टू ईयर फाइव ईयर टेन ईयर जो भी है फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपने फायर इंश्योरेंस निकाला है या नहीं निकाला है वो भी आपको एक बार चेक करना है ठीक है और उसमें ऑन कुछ चीज़ें हैं जैसे अर्थवेक हो गया टेरिज्म का कुछ अटैक होता है तो आपका वो सारे जो कवर्स होते हैं वो एड होना चाहिए जैसे सेम लाइक हेल्थ अगर आप देखोगे ना मेडिकल पॉलिसी उसमें भी क्या होता है ऑन वाला सिस्टम होता है तो सेम इसमें भी वैसा ही होता है उसके बाद में आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसनी जो सम है उसको इंश्योर करना है ठीक है <coughs> उसके बाद में यू हैव टू वेरीफाई द नेम ऑफ मॉर्गेजी एंड वेरीफाई ऑफ एनी एंडोर्समेंट ठीक है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सिंपली है एकदम सिंपल है पहले आपको वेरीफाई करनी है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी देन आपने कहाँ से निकाली वो फिर कितना पीरियड के लिए निकाली फायर इंश्योरेंस कवर्ड है नहीं है मार्केट वैल्यू क्या है मॉर्गेज का नाम है नहीं है और आपको एंडोसमेंट को वेरीफाई करना है अगर कुछ चेंज होता है तो ठीक है आप चेकलिस्ट फॉर कंप्लायंस ऑफ टर्म ऑफ इंश्योरेंस अगर ऐसा कुछ होता है टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे केस में आपको कंपनी के एसेट्स को देखना है विच इज़ टू बी इंश्योर कॉम्प्रेंसिवली एंड वेयर द ज्वाइंट होल्डर्स ऑन द प्लांट एंड मशीनरी टेक इन और नॉट ये आपको देखना पड़ेगा फिर यहाँ पे आपने देखना है कि जॉइंट नेम की मतलब बैंक और कंपनी दोनों के नाम से पॉलिसी निकली है कि नहीं निकली है और जो पॉलिसी है फुल वैल्यू में कवर्ड है या नहीं है प्रीमियम टाइम टू टाइम पे हो रहे नहीं हो रहे हैं और यहाँ फिर जो पॉलिसी निकाली गई ऑफिस से वो बैंक को आपने बताया या नहीं बताया और जितने भी इंश्योरेंस से पैसा मिलता है वो एक सिक्योर्ड मतलब एक सिक्योर्ड अमाउंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा इट इज इट इज़ टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द बेटर सिक्योरिंग टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द पेमेंट ऑफ ऑल मनी सिक्योर अंडर दिस इंडर एग्रीमेंट ठीक है इस तरह से आपको देखना है उसके बाद में चेक लिस्ट फॉर द कंप्लायंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन बाय लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एट ए टाइम ऑफ अवेलिंग द फैसिलिटी सॉरी मेरी आवाज़ लाइक like, uh, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है बट फिर भी आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए मैं थोड़ा रिकॉर्ड uh, कर रही हूँ इस वॉइस में भी आई एम सो सॉरी फॉर दिस वॉयस ओके सो द चेकलिस्ट फॉर द कम्प्लायंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन बाय द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एट ए टाइम ऑफ अवेलिंग द फैसिलिटी आपको क्या देखना है तो देखना है आपको कि अगर आगे आपको कन्फर्म करना है कि भाई आगे आगे तो किसी उसने किसी से बो नहीं किए हैं फंडस को एंड नो डोनेशन टू द ट्रस्ट ठीक है कोई ट्रस्ट को डोनेशन तो नहीं दिए हैं ठीक है डायरेक्टली इंडायरेक्टली रिलेटेड द बिजनेस ऑफ द बोर ओवर और वेलफेयर ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड ऑल एंड लास्ट में आपको देखना है कि कोई तरह का यहाँ पे मर्जर कंसोलिडेशन कंसल्टेशन रिकॉग्नेशन क्रेडिटर्स ये सब नहीं है बिना अप्रूवल के मतलब आपको कुछ भी अगर छोटा से छोटा आप कुछ करना होगा तो आपको यू हैव टू नीड अप्रूवल यू नीड द अप्रूवल फ्रॉम द बैंक तो ये आप क्या कर सकते हो और फंड बोरो कर सकते हो डोनेशन दे सकते हो और या फिर मर्जर अमल कमेशन कर सकते हो ठीक है अब मैं बात करती हूँ चेकलिस्ट फॉर चेक फॉर इन ऑपरेशन चेकलिस्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी कंपनी को चलाने के लिए यू नीड सम ऑपरेशन राइट right? तो ये उसकी क्या चेकलिस्ट है तो कंपनी हेज नॉट सीज एनी कैरी ऑन बिजनेस एंड एवन टेम्प्रोरी मतलब यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि कोई भी तरह से कंपनी यहाँ पे क्या करनी चाहिए बंद नहीं होनी चाहिए एंड मटेरियल चेंजेस अगर कुछ होते हैं तो इट इट शुड बी अप्रूव बाय द बैंक कि कुछ भी अगर आपको चेंज जाना है तो बैंक से पूछना पड़ेगा कोई भी तरह का अगर आपको परचेज uh, सेल करनी है एजेंसीज को विद टर्म्स एंड कंडीशन तो वह आपको बैंक से पहले पूछना पड़ेगा एंड कोई भी तरह का अरेंजमेंट अगर आपको करना है तो आपको इन्वेंचर के हिसाब से मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा ठीक है चेकलिस्ट फॉर सिक्योरिटी ऑफ ऑन द टर्म लोन टर्म लोन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी तरह के जो एसेट्स होते हैं विच इज परसेंट टू द एग्रीमेंट लोन आर इन लाइन विद द टर्म्स ऑफ द सेंशन ठीक है एंड द एसेट्स विच आर परचेज फ्रॉम द मनी ठीक है इन केस अगर आपने कोई तो भी आई कैन से लोन अगर आपने लिया और उससे अगर आपने एसेट्स परचेस किया होगा एंड इफ नॉट ब्रॉट अबाउट द फिक्स ऑफ द फैक्ट्रीज एंड विच हैव बीन लाइक हाइपोथिकेटेड विद द बैंक एंड ऑल तो ऐसे केस में भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है द कंपनी हेज़ नॉट एंड इन टू एनी एग्रीमेंट विद्रेडिटर ठीक है एंड नॉर एनी फॉल्ट डिफॉल्ट इज कमिटेड एंड इट वुड रेंडर द कंपनी लाइवल टू बी टेकन इन टू द लिक्विडेशन कोई तरह का उनको एग्रीमेंट वो नहीं कर सकते क्रेडिट के साथ अगर ऐसा कुछ वो करते हैं देन इट विल लीड टू द लिक्विडेशन ठीक है वेयर अ गारंटी हैज़ बीन फर्निश्ड इन द इवेंट ऑफ़ द डैथ ऑफ द गारंटर हीज़ हायर नॉट अ गिवन नोटिस ऑफ रिवोकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वे आर एनी गारंटी कोई भी तरह की गारंटी है ठीक है अगर आप कोई किसी को गारंटी दे रहे हो इवेंट ऑफ द गारंटर मतलब अगर डेथ हो जाती है तो आपने किसी को गारंटी दे रखी है तो उसके जो हायरर्स होंगे लीगल हार्स जो होंगे हैव नॉट गिवन अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन ठीक है एंड इन द ओपिनियन ऑफ एज एसर और वैल्यू आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेज नॉट बीन कम इन सफिशेंट और आई कैन सी डेप्रिशिएटेड बियन द नॉम्स इन प्रिस्क्राइब्ड इन द इनशन ठीक है तो यहाँ पे चेकलिस फॉर द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसमें क्या होता है कि कंफर्म दैट इन द इवेंट ऑफ इन केस इफ़ देर इज एनी डिफॉल्टैन द कंसेंट ऑफ बैंक इज बिन टेकिन एंड प्रायर टू दैट अगर आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है एंड यू आर मेक द पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द अनसिक्योर्ड लोन एंड डिपोजिट दैन यहाँ पे आपको तब लेना पड़ेगा ऐसे केस में और ऐसा कुछ नहीं हुआ था दट यू नो यू डोंट नीड दैट कंसेंट ठीक है तो, तो, you know, uh, तो यहाँ पे कंसेंट बैंक का कब लेना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट ओके एंडलाइड टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ ओवर ड्यू अमाउंट ठीक है इस तरीके से एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ इन शोर्ट दैट द कंसिस्टेंसीटेन इन यूटिलाईजेशन ऑफ मनी एडवांस टू मोरगजर मॉर्गेजर एंड द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स हैज बीन स्पेसिफिकली एग्जामिड द फंड हैव बीन यूटिलाइज फॉर द पर्पज डाउन इन इन इंचज वेद हैज़ बिन नॉट बिन यूटीलाइज द रिक्विजेज परमिशन हैज़ बिन टेकन मतलब जिसके लिए लोन लिया उस हिसाब से आपको उसे यूटिलाइज करना है फर्स्ट पॉइंट ये था सेकेंड था कि आपका रिक्विजेज कंडीशन लेट डाउन टू क्वालिफाई फॉर द आउट स्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द लोन हैव बीन फुलफिल्ड यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो भी कंडीशंस रखी थी दैट इज टू बी क्वालिफाई फॉर आउट स्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन ये आपको फुलफिल करनी है ठीक है द ड्रॉल फ्रॉम द लोन कैप्ट इन द सेपरेट शेड्यूल बैंक मतलब जो भी आपने लोन से जो निकाला है वो आपको अपने एक अलग अकाउंट में रखना है और उससे आपको धीरे धीरे पेमेंट करना है एंड यू हैव टू फॉर इट्स राइट टू सेट ऑफ एंड लीन

एंड एनी एक्सपेंडिचर दैट हैज़ बिन फिनांसड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द इंडचर उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा खर्चा एंड इफ देर इज़ एनी चेंज इन द टाइम शेड्यूल फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेड इन कंसल्टे हाँ अगर लाइक इन केसेसर कुछ लिमिट बढ़ जाती है डवेशन हो जाते हैं आपके प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने के लिए तो आपको एक बार बैंक से कंसल्ट करना पड़ेगा ठीक है एंड द चेक लीस्ट फॉर बैंक एंड लैबिलिटीज ड्यूज इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम तो ये कहता है कि इन शोर

Has any account? Agar company ke koi account hai with the bank of with the bank or against financial institution which is guaranteed by the RBI and no default is committed on in maintenance, then as a case, maybe uh, they are liable to reimburse the guaranteed amount. Okay, and any prepaid amount uh, other than the term loan I, or I can say bank borrowing in the ordinary course of business with the prior approval in writing. देन यहाँ पे क्या होगा ऐसे केस में तो कोई भी अगर अदर कंडीशंस भी होती है तो आपको इंडेंचर के हिसाब से यहाँ पे काम करना होता है ठीक है नो अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द होम कंपनीड इंटू द एग्रीमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिफ्यूज टू डिबर्स द लोन ठीक है इन केस इफ़ दे आर रिफ्यूजिंग टू डिबर्स द लोन और नॉट दे आर रिकॉल द सम रिकॉर्डर्स अंडर द रिस्पेक्टिव लोन एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू विद ठीक है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दिस इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह नहीं है तो जस्ट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट का अगर बोलते हैं तो यू हैव टू मैंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इट शुड बी अपडेटेड ठीक है यहाँ पर एनअल ऑडिट आपको करानी पड़ेगी बस ये तीन पॉइंट इसमें है मेमोरेंडम आपको रखना है वही सब कुछ है ठीक है उसके बाद मैं अगर मैं डायरेक्टर्स और प्रमोटर की चेकलिस्ट की बात करूँ तो आपको यू हैव टू स्क्रूटाइज द रिकॉर्ड्स टू एसर द होल्डिंग शेयर होल्डिंग ऑफ द डायरेक्टर्स ठीक है एंड फंड कितना उन्होंने ट्रांसफर uh, किया है फ्रॉम आई कैन से फंड्स फ्रॉम द प्रमोटर एंड डायरेक्ट कितना उनको मिला है क्या मिला है वो सारा एंड अमाउंट पेबल टू डायरेक्टर्स कितना है एंड नो कमीशन नो गारंटी विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रायर अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर बाय द बैंक ऑफ बाई द बैंक और आई कैन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है तो इस तरीके से नॉट इम्पॉर्टेंट सो मैं रीड नहीं कर रही हूँ ठीक है ये मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है पैराफो फिफ्टीन यहाँ पर कहता है कि इट द कंपनी हैज़ इन शॉर्ट फुल्ली ऑल इट्स एसेड तो उसके लिए यू नीड द कंप्लाइंस इनपुट्स जो क्रॉप हमने पढ़ा था सेम आपको वही यहाँ पर मैंशन करना है सेम टू सेम यहाँ पर भी वही आपको रहेगा जो अपने पहले पढ़ा है नो चेंज इन दैट यहाँ पे भी वही है एंड नाउ आई एम जम्प टू विलफुल डिफॉल्ट विलफुल डिफॉल्ट मींस क्या होता है अगर आपको सिंपली उसे लिखना है तो आपको तीन पॉइंट ध्यान रखना है कि एक तो कैपेसिटी है बनने में टू रिपे बट इज नॉट डूइंग दैट ठीक है जैसे विजय माल्य है कैपेसिटी बट वो पे ही नहीं करना चाहता है ठीक है डाइवर्ट फंड्स फॉर अदर यूज ठीक है अगर वो यहाँ पे क्या कर रहा है वो फंड्स को डाइवर्ट कर रहा है अदर यूज़ के लिए मतलब लिया किसके लिए लोन और कर किस लिए यूज़ रहा है सिम्फरिंग ऑफ द फंड मतलब क्या करना इस अकाउंट से उसमें उसमें अकाउंट में इस तरह से उसको सिम्फरिंग सिंफ, ऑफ फ़ंड्स बोला जाता है ठीक है तो ये आप डिफ़ॉल्ट विलफुल डिफॉल्टर इसे बोलेंगे एंड इसका जो कंप्लाइंस इनप्यूट है वो है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट लोन एंड आर बी आई डिफ़ॉल्टर लिस्ट जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है एंड उसके बाद में स्टेचुरी ड्यूज इज़ ऑल्सो नॉट मच इम्पॉर्टेंट हाँ ये डायवर्जन ऑफ फंड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सिंपलिंग ऑफ फंड इज इम्पॉर्टेंट जैसे यहाँ पे यहाँ पर कोई भी तरह से अगर ये एक भी अकरेंस होती है देन इट आई कैन से इट इज़ अ डायवर्जन ऑफ फंड जैसे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ ठीक है नॉट विध कंट्री विद टर्म्स ऑफ सेंशन अगर आप शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें तो ये भी आप क्या बोलेंगे डायवर्जन ऑफ फंड ही इसे बोला जाएगा ठीक है इफ़ यू आर डिप्लॉइंग द बोरड फंड्स फॉर uh, the purpose और I कैन से एक्टिविटी और फॉर the creation of the assets other than those which are loan is है मतलब जिसके लिए लोन मिला वो नहीं ले रहे हो कुछ और ही आप उससे एक्टिविटीज़ कर रहे हो या कुछ एसेट क्रिएट कर रहे हो तो देट इज़ ऑल्सो the diversion and third is transferring the funds to subsidiary groups ठीक है उसके बाद में वन बैंक टू अनदर बैंक आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी मतलब लेने लोन लिया किसके लिए और बिना मतलब विदाउट दा, अप्रूवल ऑफ़ द लैंडर आप दूसरी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो द डाइवर्जन एंड शॉर्टफॉल इन डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स अगर ऐसा कुछ होता है तो भी यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ फंड से बोला जाएगा सिंपलिंग ऑफ फंड मैं क्या बोल सकती हूँ कि कोई भी तरह का अगर आपने बैंक से फ़ंड लिया है अगर आपने बोरो किया है और आप उसको उस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो एंड विच इज़ अन रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द बोरोवर एंड विच डेट्रीमेंटल टू डेट्रीमेंट द हेल्थ ऑफ द एंटिटी और द लैंडर तो ऐसे केस में दे आर अम्फरिंग ऑफ फंडस एंड यहाँ पे फिर देखना पड़ेगा कि इज इट दिलफुल डिफॉल्ट एंड यू हैव टू ट्रैक दैट बोरो एंड आई कैन सी इट शुड नॉट बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेट ट्रांजेक्शन या इंसीडेंट्स किस हिसाब से हम नहीं कर सकते हमें विलफुल डिफॉल्ट का हमको जाके देखना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि दैट इंटेंशन वॉज दैट द डिफ़ॉल्ट वज़ इंटेंशनली डेलीबरेटली एंड कैलकुलेटिव राइट इस तरीके से दिस इज़ ऑल्सो नॉट मच इम्पॉर्टेंट सो आई एम नॉट फॉरपोर हाँ ये एक बार पूछा गया था तो दे मे आस्क तो आपको कुछ पाँच छः पॉइंट एग्जाम में लिख के आना है डिस प्रोपोर्शनेटली लार्ज पेमेंट इन रिलेशन टू नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी ऑफ इट साइज फ्रिक्वेंटली सर्कुलर ट्रांजेक्शन बिटवीन द वेरियस बैंक्स ऐसे जब कुछ होते हैं तो इट इज़ द सजेस्ट टेड अलर्ट से, से बोला जाता है जो इजी इजी है वो मैं आप एक्सप्लेन करूंगी डीले एंड डिफॉल्ट इन मीटिंग ऑफ सचुरी पेमेंट जान के अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो लगता है अलर्ट है कुछ तो भी है झोल है एनी अपारेंट अनरे पेमेंट दैट कम टू नोटिस इतने टाइम तक नहीं था एकदम से कैसे एंट्री आ गई तो दैट इज़ अलर्ट ओके डिस प्रपोर्शनेट होल्डिंग ऑफ डब्ल्यू आई पी जान पूछ के आप डब्ल्यू आई पी को होल्ड कर रहे हो ताकि वो फिनिश नहीं बने फिनिश नहीं बन के वो आपके डेटर आई कैन से क्रेडिटर के जो पैसे हैं वो पेंडिंग पड़े रहे ठीक है रेगुलर ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड टू फ्रॉम द डेटर्स ठीक है एनी डिफरेंशियल प्राइजिंग सिस्टम टू एसोसिएट्स अगर आप आमलेंस नहीं करते हो तो एंड एनी अटैचमेंट्स ऑफ बैंक अकाउंट द दिचरी अथॉरिटीज इस तरीके डिसऑनर ऑफ चेक्स अंडल्स रिटर्न रिटर्न ऑफ बिल एंड ऑल ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी सो यहाँ तक मैंने आपका ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म करा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू कमेंट कैसा लगा आपको वीडियो टाइम बहुत कम है ट्वेंटी मिनट्स में मैंने आपका पूरा पूरा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करा दिया है प्लीज़ यार लाइक तो बनता है ठीक है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही सो so, तब तक के लिए uh, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स अच्छे से ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें थैंक यू ऑल ऑफ यू